हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। ये अपना मधुमालती का प्लांट है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। मैं इसको बहुत छोटा सा लेके आया था नर्सरी से, और अब आप देखिए इसकी ब्लूमिंग का टाइम आ गया है। इसमें हर एक टहनी पर एक एक कलियाँ निकली हुई हैं, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। आप देख सकते हैं बहुत सारी कलियाँ निकली हैं, तो बहुत सारे फूल आने वाले हैं इसमें। तो इस वीडियो में बताऊँगा कि मैं इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालता हूँ। मैंने इसमें अभी रिसेंटली पोटास और मैग्नीशियम सल्फेट एक एक चम्मच डाला हुआ है, ताकि इसकी ब्लूमिंग और अच्छी हो। और इसके पहले मैं बनाना पील का फर्टिलाइज़र डालता था इसमें। बनाना पील का फर्टिलाइज़र बनाना बहुत ही आसान है। आप बनाना के छिलके ले लीजिए, उनको पानी में डाल के 24 घंटे तक के लिए रख दीजिए, और उसके बाद आप उस पानी को छान के अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं, एक गिलास एक प्लांट में। और 15 दिन के बाद आप दोबारा से यही चीज़ यूज कर सकते हैं। और वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खाद है, तो उसको आप 15 दिन के ड्यूरेशन पे डाल सकते हैं। जबकि आप ये पोटास वगैरह आप ट्राई करिए, एक सीज़न में एक ही बार डालिए, ये ज़्यादा यूज़ करना ठीक नहीं है प्लांट्स के लिए। तो आपके प्लांट्स की ब्लूमिंग बहुत अच्छी होगी इन दोनों चीज़ों से। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।